बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम पूरा बकरा की आयात नंबर दो सौ अठतीस का तर्जम और तफसर पढ़ेंगे इससे पहले की जो आयात थी वो तलाक वगैरह के निकाह तलाक के मसाइल के बारे में थी और अब ये जो अब हम आयात पढ़ने लगे हैं ये नमाज के बारे में है अल्लाह इज़्ज़त है, खाफिजू लस्सला, हिफाजत करो पाबंदी करो सलावा सब नमाजों की वसलातुल वस्ता दरमानी नमाज की वकूम लाला कानतीन वकूमो खड़े रहा करो ला है अल्लाह के लिए का आजी करते हुए और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए आजी करते हुए सब नमाजों की पाबंदी करो और खसूस दरमानी नमाज की और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए आज़ी करते हुए तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि सब नमाजों की पाबंदी करो तो नमाज़ में चूंकि अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह का जिक्र इस्लाम की बुनियाद है अल्लाह का ज़िक्र ही वो ताकत है जिसके ज़रिए इंसान शरीत के तमाम जो कवानीन है उन पर अमल कर करता है इसलिए कुरान का ये तरीक़ार है कि जहाँ कानून और अहकाम का बयान हो वहाँ साथ ही अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दिलों को रागब कर दिया जाता है और रागिब करने के लिए आकाम अल्लाह ताला के आयत के जरिए बताए जाते हैं ताकि इन अहकाम की आसानी से पाबंदी की जा सके यहाँ भी चूंकि घरेलू जिंदगी के मुतालिक पीछे अहकाम बयान हो रहे थे जिस तरह के तलाक खुला इ्जत वगैरह ये सब कुछ बयान करके नमाज को पाबंदी से अदा करने को हुक्म दिया है क्योंकि नमाज ही अल्लाह ताला के जिक्र का सबसे बड़ा और सबसे और असर तरीका है नमाज में जिस्म रूह दिल दिमाग सब अल्लाह ताला की मदद में दुआ में मसरू हो जाते हैं तो यहाँ अगर कुरान के अल्फाज हम गौर करें जिसमें कुरान फरमा रहा रहे खा फिजूल तो यहाँ पर एक फजू नहीं फरमाया यानी हिफाजत करो खा फरमाया है यानी पाबंदी करो इसकी वजह यह है कि जब ये अरबी का कायदा है कि बाब मफाला का सिला अला आ जाए तो उस वक्त उसके माने बार बार और हमेशा करने के होते हैं यानी नमाज हर वक्त पढ़ो हमेशा पढ़ते रहो यहाँ भी ये मकसद बता बताना है कि बार बार हमेशा नमाज अदा करते रहो ये नहीं कि एक पढ़ी तो दूसरी छोड़ दी दूसरी पढ़ी तो तीसरी छोड़ दी दो पढ़ ली तीन छोड़ दी तीन पढ़ ली दो छोड़ दी चार पढ़ ली एक छोड़ दी ऐसे नहीं जितनी है उतनी ही पढ़ो ये इसलिए हाफिज फरमाया है ये नहीं कि एक बार नमाज अदा कर लो हफ्ता भार के लिए छुट्टी कर लो जिस तरह लोग जुम्मा पढ़ते हैं फिर आगे जुम्मे पे ही आते हैं इस्लाम में नमाज़ को जो अहमियत हासिल है वो हम बयान नहीं कर सकते कुरान करीम में इसका हुक्म तकरीबन सौ दफा के करीब बाद कहते हैं कि आया है हजूर सलाम ने इसे दीन का सतून फरमाया है और हम मुसलमान होकर नमाज के मसले में हम जितनी सुस्ती करते हैं उसकी कोई हद नहीं है नबी अक्रम सलम का एक इर्शाद अर्ज करता हूँ मुमकिन है इससे किसी खुश नसीब को हिदायत मिल जाए अल्लाह के फरमाया मनिया कानू नूर वुरहाना व निजात्यामन लम तक लहू नूरन बुरहान

ना अपने ईमान की कोई निशानी होगी ना ही कोई बख्शिश का तरीका और जरिए और वसीला होगा और फिर उस बदनसीब का अशर कारून, हामान और उबई बिन कम जैसे बड़े काफरों के साथ होगा तो अल्लाह ताला ते गफलत की नींद से दीदार फरमाए और अपनी इबादत और अपने महबूब सलम की फर्मा बरदारी की अल्लाह ते तो किताब फरमाए इस आयत के अलावा भी कुरान पाक में कई और आयात हैं जिनमें नमाज की पाबंदी का अल्लाह ने हमें दिया है तो बहुत सारी आयात हैं जिस तरह के हम पीछे इसकी में हम पढ़ चुके थे मुत्तकीन पहले पारे के पहले रकूब की आयत है इसके अलावा अब मैं आगे तर्जमा जिक्र करूंगा तो फरमाया कि कुरान उन परों के लिए हिदायत है जो गैब की पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दीरे में से खर्च करते हैं और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह पर शाद फरमाया अठारवें पारे में फरमाया लेक लोग वो हैं कि उनको उनकी तजारत और उनकी खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद और नमाज पढ़ने और जक़ात देने से गाफिल नहीं करती है वो क्या के उस दिन से डरते हैं जिसमें बहुत से दिल और आंखें पलट जाएंगी और इसी तरह अल्लाह ताला ने तीसरे पारे में इरशाद यानी आखिरी जो पारा है तीसवा फरमाया बर्बादी है और नमाज़ों के लिए जो अपनी नमाज की अम्मीय से बेखबर है यानी बे वक्त तो उनको पढ़ते हैं और कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते और इसी तरह में पारे में अल्लाह ने इशाद फरमाया तो उनके बाद कुछ नालैक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजें ज़ाय और ख्वाहिशा नफसानी के पीछे लग गए तो हम करीब वो गई से मिलेंगे तो वही दो के नीचे के तबके में एक कुआ है जिसमें दोषियों की पीप गिरेगी तो वो लोग जो बेमारी हैं उनको गई के कुएं में डाला जाएगा और इसी तरह अल्लाह ताला ने उनतीसवीं पारा में निशाद फरमाया कि जन्नत में जन्ती लोग मुजरमों से पूछेंगे कि तुम्हें किस ने दोख में पहुंचाया है वो कहेंगे कि हम नहीं पढ़ते थे और तुम को खाना नहीं खिलाते थे और इसी तरह तेरहवें पारे में हज़रत हज़रत इब्राहिम की दुआ जिक्र की गई है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे हमारे परमात मूसा पर जो पहली बार नाजिल हुई पुरान मजीद के छब्बीसवें पारे में उसको बयान किए गए उन्होंने फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह हूँ मेरे सिवा कोई मबूद नहीं बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो और हजरत ईसी ने जो अपनी माँ की गोद में बचपन में कलाम किया था जब बिल्कुल आप पहले दिन पैदा हुए थे वो पहले पारे में वो जिक्र किए गए आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उस वह सोनवे पारे में सॉरी आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और मुझे मुबारक बनाया जहाँ पर भी मैं रहूँ और उसने मुझे नमाज पढ़ने और देने की ताकि दी है जब तक मैं जिंदा रहूँ और हज़र लकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी इक्कीसवें पारे में उसका जिक्र है ग्यारह रखे बेटे मेरे बेटे नमाज कायम और लोगों को निकी को कम दे और बुराई से मना कर और इसी तरह दसवें पारे में अहले ईमान के बारे में जिक्र हुआ है पर मैं मोमिन मर्द और, और एक दूसरे की मददगार हैं भलाई को कम देते हैं बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और जक़ात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के फलमा बरदार हैं यही है जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा बेशक अल्लाह वाला है और इसी तरह पांचों वक्त की नमाज के बारे में बारहवें बारे में निशाद फरमाया कि नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों में यानी फजर और मगरब और रात की इन घड़ियों में जो दिन से नज़दीक हैं यानी इशा और वितर और तजुर्ब की नमाज और इसी तरह अल्लाह तंद्रहें पारे में निशाद फरमाया कि नमाज कायम रखो सूरज ढलने के बाद ठीक है तो इसी तरह हर अकेल बाल मुसलमान मर्द और औरत पर पांच वक्त की नमाज फर्ज ऐन है और उसके फर्ज होने का जो इनकार करता है वो काफिर हो जाता है और बगैर किसी शरी उधर के इसको छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और नमाज ये बदनी इबादत है और इसमें नियाबत जारी नहीं हो सकती यानी एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ से नहीं पढ़ सकता नहीं इसके बदले जिंदगी में कुछ माल बतौर फिदिया दिया जा सकता है नमाज हर हालत में पढ़नी ही पढ़नी होती है ये दीन का सतून है और इसका कायम रखना दीन का कायम रखना है ये सफर में भी और घर में रहते हुए किसी हालत में भी माफ नहीं है यहां तक अगर बीमारी वगैरह की वजह से खड़े होकर आदमी नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े और नमाज जमात के साथ अदा करना अकेले अदा करने से सही दर्जे पड़ है तो ये नमाज की फजीलत है इसके अलावा आदीस भी इस बारे में कसीर हैं लेकिन मैंने एक बड़ी जाम हदीस पढ़ दी है तो इसलिए मैं और हदीस को इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस आयत में जो फरमाया कि बस सलात के दरमियानी नमाज का खसूसी तौर पर ख्याल रखो तो दरमियानी नमाज से मुराद कौन सी नमाज है इसमें के मुख्तलिफ कौल हैं लेकिन सबसे जो पसंदीदा कौल है वो ये है कि मुराद असर की नमाज है हजरत अली हजरत इब्ने मसूद हजरत आयशा रतीम का ये कौल है और इमाम का भी ये मसलक है क्योंकि जंग ख में जब असर की नमाज कदा हो गई थी तो फरमाया था कि अल्लाह काफ़रों की कबरों को आग से भर दे उन्होंने हमें दरमानी नमाज पढ़ने से मसरूफ रखा ठीक है हरीस के अल्फाज ये हैं बुखारी मुस्लिम की ये मुतफक है अल्लाह ताला उनकी कब्रों को और उनके घरों को आग से भर दे इन बदबख्तों ने हमें असर की नमाज दरमानी नमाज नहीं पढ़ने दी यहाँ तक सूरज अब रूब हो गया है तो ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है ये तन जो है ना नमाज की अहमियत पर दरारत करती है नमाज इतनी अहम इबादत है कि उस वक्त भी माफ नहीं होती जब दुश्मन के हमले का खौफ हो हाँ इतनी आसानी कर दी गई है कि पैदल चलते चलते ये अपनी सवारियों पर बैठे बैठे जिधर भी रोक हो नमाज अदा कर सकते हो लेकिन तुम्हें माफ किसी भी सूरत में मुसलमान को किसी भी को नहीं है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाबंदी करो सब नमाजों की और खसूस दरम्या नमाज की और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए आजी करती हुई नमाज में क्या करते रहा करो नमाज पढ़ते रहा करो अल्लाह तला के लिए आजी इख्तियार करती हुई है कि उसने तुम्हें ईमान की दौलत ताह की है और उसने मरने के बाद तुमसे तो हिसाब लेना है उससे डरते हुए उसकी बारगाह में हर वक्त उन्हें मददा करते रहा करो ताकि तुम तो उसकी रेहमत हासिल कर सको जी भाई माशाल्लाह सर जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे हाँ